वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में एक पॉली पैकेजिंग रोल मैन्युफैक्चर करने कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी और बेस्ट एंट्री पॉइंट और टारगेट क्या निकल के आता है कंपनी का। तो कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, पेजल इंटरनेशनल लिमिटेड है। ये BSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। आज ये कंपनी लगभग 1.59% अप था। आज ये कंपनी अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। तो कंपनी अगर आप लोग को कभी भी इस ये लेवल में मिलता है तो इस लेवल का एक सेकंड ड्रॉ करके बता देता हूँ कौन से लेवल में आप लोगों को एंट्री करनी चाहिए। ये कंपनी अगर नीचे के लेवल में मिलता है तो आप लोगों को, अगर ये कंपनी इस लेवल के अराउंड मिलता है तो आप लोग बाय करके चल सकते हो। ये लेवल और ये लेवल, ये जो दोनों लेवल्स है ये दोनों एक सपोर्ट लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर कंपनी नीचे गिरने के बाद अगर आप लोगों को ये दोनों लेवल्स में मिलता है तो आप लोग बाय करके चल सकते हो। और अभी का जो टारगेट निकल के आता है वो अराउंड निकल के आता है 0.65 के आसपास। 0.64 के आसपास ट्रेडिंग ही कर रही है कंपनी। जो सेकंड टारगेट निकल के आता है वो 0.77 और थर्ड टारगेट निकल के आता है 1.13। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गैप है 0.77 और 1.13। अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हो तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप लोग अगर 0.42 या तो फिर 0.2 के लेवल्स में एंट्री कर सकते हो कंपनी में, क्योंकि यहाँ से कंपनी एक अच्छा पोटेंशियल, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से ये दोनों प्राइस जस्टिफाई करती है कंपनी को। अगर आप लोग ये 0.42 के लेवल्स में बाई करते हो तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है अराउंड 0.65 रुपीज़ के आसपास। 0.42 का जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है, सेकंड टारगेट 0.77 और थर्ड टारगेट 0.1.13। और एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, जब ये कंपनी नीचे गिर जाए तभी 0.42 के आसपास बाई मत करना, बाउंस बैक होने के टाइम बाई करना। अगर 10 पैसे ज़्यादा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही आप लोग बाई करना। अगर 0.2 के लेवल्स में आप लोग बाई करते हो तो 0.42 के लेवल्स में आप लोग फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 0.65, थर्ड टारगेट 0.77 और उसके बाद का फोर्थ टारगेट 1.13 के लेवल्स में। चलिए चार्ट के माध्यम से कंपनी का फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं एक बार, और डिलीवरी परसेंटेज भी, क्या ये कंपनी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा पेजल का डिलीवरी क्वांटिटी, आप लोग देख सकते हो 28 जून का है। 7,91,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, उसमें से 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है। तो फाइनेंशियल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी का क्या ऐसा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस इज मेनली डीलिंग इन सप्लाई स्टॉक ऑफ पॉली पैकेजिंग रोल्स ओवर टिश्यू पेपर इन वेरियस साइज, ऑल्सो इम्पोर्टिंग द सेम फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। तो मार्केट कैप देख लेते हैं, 11.1 करोड़ का मार्केट कैप निकल गया है। ROE 3.91%, ROE 2.8%, बुक वैल्यू 1.11, करंट प्राइस 0.63, अपने हाई 52 वीक्स हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी का। दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.57 टाइम्स बुक वैल्यू। मैं तो 90% स्टॉक बोलता हूँ वो हमेशा डेट फ्री रहती है, एक दो रिव्यू स्टॉक को छोड़ के कंपनीज। ये मैंने पहले ही बहुत बार बोला है कि ये मैं कॉन्स के अंदर नहीं काउंट करता हूँ। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सब क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं कंपनी का। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या निकल के आता है, क्वार्टरली सेप्टेम्बर के बाद जो दिसंबर 2020 और मार्च 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है पता नहीं। यो चलिए देख लेते हैं मार्च 2020 TTM, ये तो लॉस में ही है। ये आप लोग आधार इनकम अगर चेक करोगे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर आप लोग देखते हो तो बहुत ही एक अच्छा इंक्रीज आया नेट प्रॉफिट में। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, बैलेंस शीट डेट में 0 है, रिजर्व में 1,88,00,000 का इन लोगों के पास रिजर्व है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो तो डिक्रीज हुआ है अराउंड 15,00,000 के आसपास का डिक्रीज दिखाई दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक का 100% पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो 0 है आउट ऑफ 10। अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हो तो 7 आउट ऑफ 10 निकल के आता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए 7, और लॉन्ग टर्म के लिए 0। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मत होल्ड करना ये कंपनी, अगर आप लोग होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। तो चलो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आप लोग को कुछ भी क्वेरी है कोई भी स्टॉक्स के बारे में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को।